रेड कलर। पेरेंट्स कलर कौन सा है? पेरेंट्स कलर वहां का एक आगे का पृथ्वी, येलो कलर। कहाँ से पेरेंट्स? वो पेरेंट्स कहाँ से होगा? पेरेंट पीछे का, पेरेंट पीछे का, हाँ ग्रीन कलर, हाँ, और उसके आगे जोन का कलर येलो, और ऑपोजिट एंटी एंटी येलो, जोन का कलर वहां पे आ गया वाटर। ब्लू, वाटर, यस, वाटर। वाटर। हाँ ओके, इसकी सेल्फ धातु कौन सी है? सेल्फ मेटल्स। उसकी सेल्फ मेटल है सर कॉपर, फायर पेरेंट्स, के पेरेंट्स है इसकी। अपन एयर जोन में जाएंगे तो स्टेनलेस स्टील, ओके, और आगे वाली जोन की ब्रास, अर्थ एलिमेंट की ब्रेस, और ऑपोजिट अपोजिट की है अल्यूमिनियम। एल्युमिनियम। शेप कौन से आएंगे यहाँ पे? पेरेंट शेप कौन सा इसका? इसका पेरेंट शेप रेक्टेंगल, सेल्फ, नहीं हाँ, एयर का, हाँ रेक्टेंगल, और हाँ इसका सेल्फ का है ट्राइंगल, और हाँ इसका आगे का आएगा ब्रास, और सॉरी स्क्वायर। स्क्वायर, और ऑपोजिट। अपोजिट अपना वेवी, ओके, कलर कौन से आएंगे? उसका सेल्फ कलर सर रेड आएगा, ओके पेरेंट कलर ग्रीन आएगा, और ओके आगे का कलर येलो, ओके। दुश्मन एंटी कलर। एंटी कलर ब्लू। ओके, साउथ ईस्ट में वाटर टैंक चलेगी? नहीं चलेगा क्यों नहीं चलेगी? उसका मुझे टेक्निकल समझाइए। ओके, सर, इसलिए नहीं चलेगी कि उसके वो अपोजिट हो गया, जो वाटर एलिमेंट है वो उसका एंटी है, फायर एंटी है, और साउथ ईस्ट का खुद का जोन फायर है। है। यहाँ पे गैस गीजर चलेगी? चलेगी, यहाँ पे भट्टी चलेगी, तंदूर चलेगा, कंप्रेसर चलेगा, कंप्रेसर चलेगा, चर्निंग सर, चर्निंग का आप चल बताइए, जाएगा, चलेगा चल, कि नहीं लाइट से चलने वाला ना? चलेगा? चल ओके जाएगा, इलेक्ट्रिक, चल जाएगा। जिसमें शक्ति, इलेक्ट जिसमें शक्ति का यूज होता है, फायर यानी शक्ति, ऊर्जा, उसका जो ओके साउथ ईस्ट का जो जो गुण है, पावर है, फायर भी है, कैश एंड लिक्विडिटी भी है। यानी यहाँ पे अगर शौचालय आता है तो यहाँ की ऊर्जा खत्म हो जाती है, यानी घर के अंदर जितने भी आदमी होते हैं उसमें से ऊर्जा निकल जाती है, यानी बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी बीमारी से संबंधित है। इससे विजन प्रॉब्लम आएगी, खास घुटनों की प्रॉब्लम आएगी। इससे स्त्रियों, जो लेडीज होती है, उनको गर्भाशय रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, सेक्सुअल लाइफ की प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ पे कोर्ट कोर्ट कचहरी का मैटर आता है, अच्छा और यहाँ पे किचन इसका मेन है पर्पस, किचन हो, फायर से रिलेटेड सब चीज हो, पोल हो, थोड़ा बहुत वेट चलता है इधर नॉर्थ के और ईस्ट के। तो हाँ, नॉर्थ में 0 वेट, ईस्ट में 0 वेट, यहाँ पे 1 वेट, यानी ये दोनों से थोड़ा ज्यादा वेट यहाँ पे चल सकता है। हाँ मनोज भाई, आप आ गए, सुनाई दे रहे हैं? यस 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 सर। हाँ, तो पूजा जी इनको थोड़ा रिपीट करवा देते हैं। देखिए मनोज जी, आज आप हम बात करेंगे साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ। ओके, दिख रहे हैं 3 जोन? हाँ हाँ सर। हाँ, उसकी सेल्फ मेटल क्या होगी? एक निकालनी हो तो छोड़ दो, मैं चालू कर देता हूं, मेरे को ऐसा आपके मुंह जबानी होगी। हेलो हेलो, मिनट वो गायब हो गए हो तो अभी हाँ वापिस उनका। वो निकालने गए मेटल लगता है। यानी यहाँ पे फायर रिले, हाँ, फायर रिलेटेड सब कुछ रख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे किचन 100% बहुत ही अच्छा रहता है किचन यहाँ पे। ओके, साउथ और साउथ ईस्ट में पावर और कॉन्फिडेंस, यानी यहाँ पे अगर दोष होगा, यहाँ पे अगर शौचालय आता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक आती है, कोना बढ़ा हुआ आता है, कोना घटा हुआ आता है,
कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो उस आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस लूज होगा और पावर नहीं होगा। वो बड़ी बड़ी बातें करेगा पर कुछ कर्म नहीं पाएगा। आज मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, आके जो बड़ी बड़ी बातें करेगा उसके घर के अंदर वहां पे प्रॉब्लम होगा। अगर वो कुछ करके दिखाता है तो कहेंगे कि उधर वास्तु दोष नहीं है। अगर उसके घर के अंदर वास्तु दोष होगा तो वो कुछ ना कुछ योजना करेगा पर फेल जाएगा। ओके। और साउथ ईस्ट के अंदर अगर वास्तु दोष होगा तो पैसे की प्रॉब्लम आएगी, दिया हुआ उधार फंस जाएगा, खर्च ज्यादा हो जाएगा, पानी के माफक पैसा खर्चा होगा, घर में पैसा आ तो जाएगा पर टिकेगा नहीं। यानी कहने का मतलब कि घर के अंदर पैसा टिकने का प्रॉब्लम आएगा। पैसा कभी भी घर के अंदर स्टोर नहीं होगा, बचत नहीं होगी, खर्चे होते रहेंगे, बीमारियों के पीछे ज्यादा खर्चे होंगे। और यहाँ पे वास्तु दोष होगा ना तो वहां पे आपको 100% कह देने का फीमेल में बीमारी आए। जब यहाँ वास्तु दोष होता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में तो वहां पे मेल फीमेल का एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलता। यहाँ पे तो एग्जैक्टली आप कह सकते हो कि फीमेल की प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप फीमेल से भी रिलेटेड प्रॉब्लम कह सकते हो, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम कह सकते हो, क्योंकि वहां पे फिर देखने का अगर पानी आ रहा है तो कोर्ट कचहरी वाला हो गया, क्योंकि पानी और अग्नि झगड़ रहे हैं। अगर अग्नि बढ़ रहा है तो झगड़े हो रहे हैं, अग्नि घट रहा है तो घर झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि गुस्सा। एक मिनट, क्या बोला सर आपने? अग्नि बढ़ रहा है तो भी झगड़े हो रहे हैं और अग्नि घट रहा है तो भी झगड़े हो रहे हैं। हाँ, मतलब वो एक्सटेंशन और कट। हाँ, दोनों 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 दोनों। साउथ ईस्ट में, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में, और पावर भी लूज ये सब जोन का है। और साउथ में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे आपको क्या होता है, फेम नहीं प्राप्त होता है। कई बड़ी बड़ी कंपनियों की है, उसको फेम नहीं प्राप्त होता, आराम प्राप्त नहीं होता, दिन रात मेहनत करना पड़ता है। 60 के बाद भी वो काम करेगा। अगर आपके घर के अंदर कोई बुजुर्ग काम कर रहे हैं तो देखना आपके साउथ बिगड़ा होगा, क्योंकि उसके लाइफ में आरामदायक जीवन नहीं है, उसके जस कीर्ति फेम नहीं है उसके लाइफ के अंदर। मतलब ये सेंटर साउथ आ गया। फेम लिखा हुआ तो है, रिफ्लेक्शन एंड फेम, मंगल का जोन। हाँ, मंगल का जोन। और ये पावर और अभी इधर मंगल मंगल भूल जाओ, अभी इधर खाली जोन का ही याद रखो। इधर पावर का हो गया, इधर फायर का हो गया। फायर यानी शक्ति, पावर भी शक्ति हो गई, फायर ऊर्जा, पावर शक्ति हो गई, दोनों एक एक दूसरे से कनेक्टेड जोन है। अगर ये भी बिगड़ा तो भी वो प्रॉब्लम, वो भी बिगड़ा वो तो भी प्रॉब्लम। कॉन्फिडेंस नहीं, आत्मविश्वास की कमी। अगर दक्षिण बिगड़ रहा है तो अग्नि से रिलेटेड जो भी हमें एनर्जी प्राप्त होती है वो सब एनर्जी हमारी चली जाती है। अग्नि से प्राप्त होने वाले फायदे, कच्चा खाना यानी इंसान की बात में दम नहीं, घर में पैसा नहीं, पैसा फंस जाना। यहाँ पे रेड कलर की चीजें का अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे शौचालय आता है, समझो साउथ ईस्ट में शौचालय है और वो बढ़ रहा है तो क्या करोगे? साउथ ईस्ट में, हाँ साउथ ईस्ट में।